नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं श्वेता सप्रू। जम्मू कश्मीर में भीख मांगना कानूनन जुर्म है। अगर कोई भी पुलिस अफसर किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को भीख मांगते हुए देख ले तो वो बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। आइए पहले ये वीडियो देखिए, फिर वीडियो के बाद हम इस बात पर चर्चा करते हैं। क्या चाहिए? 5 रुपये चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हो? मांगते क्यों? वो पढ़ते नहीं हो? अच्छा नहीं लगता। पढ़ना नहीं अच्छा लगता? क्यों नहीं? क्यों नहीं अच्छा लगता पढ़ना? पढ़ने से तो कोई भी इंसान, मतलब अफसर बनोगे तुम, कोई बड़े ऑफिसर बनोगे। डालिए नहीं हम। क्या डालिए? नहीं स्कूल में नहीं डाले? मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा हमारे ससुर होते, इसीलिए। कहाँ पे होते हैं मम्मी पापा? कहाँ होते हैं? राजस्थान। राजस्थान से आए हो? हाँ। कितना देर हो गया यहाँ पे? क्या 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए हैं? हाँ। तो स्कूल में नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते? स्कूल में तो पढ़ना चाहिए। यहाँ डाला ही नहीं, उसमें डाला है। तो अगर हम डलवा दें, मैं आपको एडमिशन करा दूं, जाओगे पढ़ने के लिए? जाओगे स्कूल में अगर फीस भर? पागल मंदिर नहीं, अभी पिस्टल मंदिर। क्या मतलब? हमारा भाषा में समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हो उसको अपनी भाषा में? मैं बोलती हूँ पिस्तल मंदिर नहीं। हाँ। मतलब पागल हो ऐसे बोलो। अच्छा पागल हो, पढ़ना तो चाहिए, पागल वाला क्या है इसमें? अगर हम एडमिशन कराएंगे तो जाओगे पढ़ोगे? ये गलत बात है, भीख नहीं मांगनी चाहिए ना, पैसे थोड़े मांगते हैं। इससे क्या होगा, पढ़ोगे कुछ बनोगे तो ज्यादा कमाओगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। मांगते अच्छा मांग। ये किसने बोला आपको? हा? ये किसने बोला? मम्मी ने बोला मांगने से अच्छा है? मेरी मम्मी नहीं है, पापा है। पापा ने बहन है, एक बहन है, एक भाई है। एक बहन है, वो कहाँ पे है भाई? वो गुब्बारे बेचने गए। गुब्बारे बेचने गया? कहाँ पे, किस एरिया में? जीवल में। वो जीवल में है? तो आप यहाँ हो? नहीं। राजस्थान में पक्के मकान है? हाँ। तो वहाँ पे नहीं ऐसे मतलब मांगते? वहाँ पे क्या, वहाँ पे मम्मी क्या काम करती है, पापा जो भी हैं? पापा मेरा नहीं है, गुजर गए। तो फिर वहाँ वहाँ क्या काम करती है मम्मी? वहाँ मेरे चाची है। तो आप यहाँ इतनी दूर आए हो अकेले? अकेले नहीं, इसके चाची से साथ आई, ये जो बोल रही है, मैं इसके साथ ही रहती हूँ। इसके साथ रहती हो? मैं मम्मी के साथ आई है। वही बोल रही हूँ, अगर एडमिशन करा दे तो जाओगे स्कूल पढ़ने? क्या पैसे? मेरी दादी है दीदी। क्या है? दादी है। कहाँ है दादी? अकेली घर में। घर कहाँ पर है? रेलवे। नाम क्या है? अंदनी। कितने साल की है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। ड्राइव में कितना टाइम हो गया? पता नहीं, मेरी मम्मी जानती। मम्मी कहाँ रहती है? मम्मी गाँव में। चल पढ़ाते हैं तेरे को यहाँ पे, फिर पैसे भी देंगे। हैं पढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बन जाएंगे, बड़ा अफसर। पढ़ेगी? हैं बोल ना। और साथ में कौन है यहाँ पे? यहाँ पे साथ में कौन है और? मेरी मासी। मासी कहाँ है? इधर बैठी मांगती है। किधर बैठी मांगती है? आए कहाँ से हो? रेलवे रहते थे पहले या कहीं और रहते थे? ओपी। यूपी में? यूपी से यहाँ पे आए भीख मांगने? पापा क्या करते हैं? काम। कहाँ? गांव में। गांव में क्या काम करते हैं? बैलून बेचते हैं। अच्छा, गांव कौन सा है यूपी में? ओपी बस्ती। यूपी बस्ती। तो यहाँ पे है ना आश्रम, वहाँ पे रहा करो, वहाँ पे खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। ये किसने बोला भीख मांगने को? कौन बोलता है? कोई नहीं। तो खुद मांगते हो? घर पे कोई नहीं है खेलने वाला, दीदी कहाँ घर पे रहेगी? घर पे कोई नहीं खेलने वाला, कोई नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी भीख मांगेंगे फिर। घर पे कोई नहीं है तो आपको एडमिशन करा देते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं आपको, पढ़ो वहाँ पे आराम से ABCD, फिर बड़े अफसर बनाएंगे। ऐसे गर्मी में धूप में भीख मांग के क्या मिलेगा? कितना पैसा मिलता है पूरे दिन में? 150। वो किसको देते हो? खाना बनाते खाते हैं और खाना बनाते हैं। और कोई भाई बहन है? नहीं।
नहीं, एक भाई है छोटा भाई। वो कहाँ है? घर पे रहता है, स्कूल जाता है। स्कूल जाता है तो तेरे को भी स्कूल जाना चाहिए था ना, लेके नहीं जाते स्कूल? नहीं जाता है। अभी बोला स्कूल जाता है। कौन? भाई छोटा। हाँ जाता है, हम नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? हम करवा देते हैं ना एडमिशन तेरी पास के किसी स्कूल में। ये किसी ने बोला है कि पढ़ना नहीं है? रेलवे से यहाँ कौन छोड़ता है? अकेले कैसे? मेटाडोर में पढ़ाई करेगी? क्यों? स्कूल में एडमिशन कराएंगे तेरी, वहाँ पे खाना भी मिलेगा, वहाँ पढ़ाई भी कराएंगे, वहाँ पे सोने को भी जगह मिलेगी, हॉस्टल में लगाएंगे वहाँ पे आराम से, वो सब कुछ देंगे वहाँ पे। अच्छा, पढ़ाई करेगी, बड़ी बड़ी अफसर बनेगी वहाँ पे जाके। हैं, जाएगी स्कूल? नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान, और साथ में कौन है? और भी कोई है साथ में? मम्मी वगैरह, पापा है? क्या चाहिए? आप देख लो, जैसे करो। पैसे चाहिए? क्यों? मम्मी पापा किधर है? और साथ में कौन है? कौन है? बुआ। कहाँ है? कहाँ पे? स्कूल में नहीं पढ़ते? स्कूल में नहीं पढ़ते? पढ़ना स्कूल में? क्या बोल रहे हो? बुआ मारती है। बुआ मारती है? बुआ क्यों मारती है? बुआ क्यों मारती है? अगर स्कूल में एडमिशन करवाए जाओगे मारेगी बुआ? क्यों? यार ये जेके स्कूल है, जेके। बुआ क्या बोलती है? पैसे मरली है। क्या आप कब से यहाँ पे हो? कब से हो यहाँ पे? आप क्यों मांग रहे हो? हाँ, स्कूल जाते हो? नहीं जाते? जाना है स्कूल? नहीं जाना है? ये क्या पकड़ा हुआ है हाथ में? ये क्या है? खाई टूट गया। खाई टूट गया? खेलने की चीज है, खेलते हो तो। अगर स्कूल में जाओगे वहाँ पे भी तो होती हैं, वहाँ पे भी तो खिलाएंगे आपको। क्या पैसे चाहिए? 10 रुपए से क्या होगा? पढ़ोगे तो ज्यादा कमाओगे ना? 10 रुपए से क्या होगा? पढ़ोगे तो ज्यादा कमाओगे। स्कूल भेजेंगे अगर तो जाओगे, पढ़ोगे? नहीं पढ़ना है? क्यों? कहाँ है मम्मी पापा? घर पे हैं। घर कहाँ पे है? पापा नहीं, मम्मी है। मम्मी कहाँ है? घर कहाँ है? कहाँ पे? काशिम नगर में। वो अभी मम्मी पापा घर पे ही हैं? पापा नहीं है, मम्मी। पापा नहीं है, मम्मी है सिर्फ। तो वो नहीं आते तुम्हारे साथ? मम्मी नहीं आती साथ में? कासिम नगर से यहाँ इतनी दूर क्या करने आए हो? अकेले आए हो? और कोई है साथ में? ये कौन है? भाई है? ओ हेलो, पढ़ते नहीं हो? क्या नाम है? निहार। क्या नाम है? निहार। निहार, तो स्कूल क्यों नहीं जाते? फायर होगा। स्कूल क्यों नहीं जाते? हाँ, गेम्स खेलना पसंद है? और क्या क्या खेलते हो? हाँ, खिलौने खेलते हो? कौन ला के देता खिलौने? खुद मांगते हो? लोग लेके देते हैं? तो अगर पढ़ोगे, खुद कमाओगे तो खुद तो ज्यादा खिलौने ले लोगे ना? वीडियो आपने देख ली। वीडियो में आपने देखा होगा कि भीख मांगने वालों में सबसे ज्यादा तादाद जो है वो बच्चों की है। जिस उम्र में इन बच्चों को पढ़ना चाहिए उस उम्र में ये लोग भीख मांगते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपको ये मिलेंगे, मेटाडोर स्टैंड के पास ही आपको मिलेंगे, और जितनी भी सड़कें हैं और जितने भी ट्रैफिक सिग्नल है उसके आसपास ये लोग आपको मिलेंगे। आपको पता है पूरे भारत में राइट टू एजुकेशन है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपने पढ़ने के अधिकार से वंचित है। जब हमने इन बच्चों से बात करने की कोशिश की तो इन बच्चों ने हमें बताया कि उन्हें पता ही नहीं है पढ़ना होता क्या है। हमने उन्हें कहा कि हम आपका एडमिशन जो है वो स्कूलों में करवा देते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ से मना कर दिया। आपने देखा होगा जब भी ट्रैफिक सिग्नल लाल हो जाता है, आपकी गाड़ी रुकती है, गाड़ी के पास बच्चे आके आपकी गाड़ी जो है वो नॉक करते हैं और कहते हैं हमें या तो भीख दे दो या तो जो भी चीज़ होगी हमसे वो खरीद लो। अब बात ये है कि
उन जगहों पर जैसे कि मेट्रो रोड स्टैंड है, ट्रैफिक सिग्नल है, इनके आसपास आपको ट्रैफिक कर्मचारी मिलेंगे, इनके आसपास आपको पुलिस स्टेशन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद ये जो बच्चे हैं ना ये किसी एनजीओ को दिखते हैं, ना ये किसी ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को दिखते हैं, ना ये पुलिस स्टेशन के पुलिस अफसरों को दिखते हैं। जब ऐसी सिचुएशन कश्मीर में आई थी तो कश्मीर ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था और वहाँ जितने भी भिखारी थे उनको कश्मीर से निकाल दिया था। जैसा कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में भीख मांगना कानूनी अपराध है, लेकिन इसके बावजूद यूपी से, राजस्थान से और देश के भिन्न भिन्न राज्यों से ये लोग यहाँ आते हैं भीख मांगने के लिए। अब स्ट्रेट लाइन के माध्यम से सवाल ये उठता है कि जब हम आम आदमियों को ये छोटे बच्चे नज़र आते हैं भीख मांगते हुए, तो इन ट्रैफिक पुलिस वालों को, इन पुलिस स्टेशन के लोगों को, इन एनजीओ को और इन पॉलिटिकल लीडर्स को आखिर ये बच्चे नज़र क्यों नहीं आते? और साथ ही साथ जब भीख मांगना जम्मू कश्मीर में कानूनी जुर्म है, तो इस पे कोई सख्त कदम आखिर उठाया क्यों नहीं जा रहा?